सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। बिग बॉस तो हम सब देख रहे हैं, 17 साल से देख रहे हैं कि नहीं, पर बिग बॉस में इतने बहुत सारे ऐसे ऐसे कंटेस्टेंट हैं जिनका दिमाग ना दिमाग में मास्टरमाइंड था। ऐसा ऐसा गेम खेला है, ऐसा ऐसा राजनीति खेला है ना कि मैंने ना राजनीति में भी ऐसा राजनीति नहीं देखा। तो आइए एक नजर डालते उन सारे मास्टरमाइंड कंटेस्टेंट पे। तो सबसे पहले कंटेस्टेंट है विकास गुप्ता। इन्होंने अपना दिमाग इतना इस्तेमाल किया कि सभी कंटेस्टेंट को अपने गेम से ढेर ही कर डाला। सेकंड कंटेस्टेंट है हिना खान। इन्होंने भी अपने दिमाग का काफी इस्तेमाल किया और सबसे चहेती कंटेस्टेंट बनी क्योंकि इनका गेम सभी काफी हद तक पसंद करते थे। रोमिल चौधरी पेशे से तो वकील थे और क्या वकालत किया कि बिग बॉस बना, इनकी वकालत का सभी दीवाने हो गए। सीजन 10 के मनु पंजाबी ने अपने बल से ज्यादा प्रयोग अपना दिमाग का किया था और अपनी राजनीति से गेम को बाकायदी से खेला था। सीजन 15 के करण कुंद्रा ने भाई साहब जो गैंग अप करके गेम खेला ना, इनकी राजनीति के दीवाने सभी थे। सीजन 16 के साजिद खान ने भी मंडली का सहारा लेके जो गेम खेला और जो राजनीति खेला ना, डायरेक्टर हो के इतना अच्छा गेम, हैट्स ऑफ टू हिम। सीजन 16 की प्रियंका छाछर चौधरी ने अंकित गुप्ता साथ मिलकर काफी हद तक अच्छा गेम खेला। सीजन 16 के शिव ठाकरे ने भी काफी हद तक अच्छा मास्टरमाइंड गेम खेला और सीजन 3 में आए रवि किशन ने भी काफी हद तक अच्छा मास्टरमाइंड गेम खेला था और काफी हद तक अच्छी राजनीति खेली थी गेम को जीतने के लिए। तो ये सारे कंटेस्टेंट थे मास्टरमाइंड ऑफ बिग बॉस। आपको इन सब में से कौन से सबसे ज्यादा मस्त मास्टरमाइंड लगे कमेंट डाउन करके जरूर बताएं। ऐसी अच्छी जानकारी के लिए मेरे साथ बने रहे, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। तब तक रिटाटा, बाय बाय।